नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को सितंबर माह में संकष्टी चतुर्थी कब है उसकी पूजा विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। इस साल 3 सितंबर को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है। इस चतुर्थी को बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा के साथ साथ श्री कृष्ण और गायों की पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है, साथ ही साधक को बल, बुद्धि, विद्या और धन धान्य का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन संकष्टी चतुर्थी के साथ साथ बहुला चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है, इसलिए इसे कृष्ण चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं बहुला चौथ की पूजा विधि और महत्व और कथा। बहुला चतुर्थी की पूजा विधि। बहुला चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें। शाम के समय भगवान गणेश, भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की उपासना करें। पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण के किसी ऐसे चित्र या प्रतिमा को पूजा स्थान पर स्थापित करें जिसमें उनके साथ गाय भी हों। सबसे पहले भगवान को कुमकुम तिलक लगाएं और हार फूल अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद अबीर, गुलाल आदि चीज़ें चढ़ाएं। कृष्ण और गणेश जी की पूजा के बाद गाय सहित बछड़े की पूजा करें। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बहुला चतुर्थी का महत्व बताने जा रही हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन भगवान गणेश की उपासना के साथ ही गौ माता की भी उपासना की जाती है। मान्यता है कि बहुला चतुर्थी के दिन गाय माता की पूजा और सेवा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश और चंद्रदेव की उपासना करने से जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएँ दूर हो जाती हैं। अब मैं आपको बहुला चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कृष्ण जी की लीलाओं को देखने के लिए कामधेनु गाय ने बहुला के रूप में नंद की गौशाला में प्रवेश किया। कृष्ण जी को यह गाय बहुत पसंद आई। वे हमेशा उसके साथ समय बिताते थे। बहुला एक बछड़ा भी था। जब बहुला चरने के लिए जाती तब वो उसको बहुत याद करता था। एक बार जब बहुला चरने के लिए जंगल गई, चरते चरते वो बहुत आगे निकल गई और एक शेर के पास जा पहुँची। शेर उसे देख खुश हो गया और अपना शिकार बनाने की सोचने लगा। बहुला डर गई और उसे अपने बछड़े का ही ख्याल रहा था। जैसे ही शेर उसकी ओर आगे बढ़ा, बहुला ने उससे बोला कि वो उसे अभी ना खाए, घर में उसका बछड़ा भूखा है, उसे दूध पिलाकर वो वापस आ जाएगी, तब वो उसे अपना शिकार बना ले। शेर ने कहा कि मैं कैसे तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लूँ। तब बहुला ने उसे विश्वास दिलाया और कसम खाई कि वो जरूर आएगी। बहुला वापस गौशाला जाकर बछड़े को दूध पिलाती है और बहुत प्यार कर उसे वहाँ छोड़ वापस जंगल में शेर के पास आ जाती है। शेर उसे देख हैरान हो जाता है। दरअसल यह शेर के रूप में कृष्ण होते हैं जो बहुला की परीक्षा लेने आते हैं। कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और बहुला को कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, तुम परीक्षा में सफल रही। समस्त मानव जाति द्वारा सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा अर्चना की जाएगी और समस्त जाति तुमको गौ माता कहकर संबोधित करेगी। वह जो भी ये व्रत रखेगा उसे सुख समृद्धि, धन, ऐश्वर्य व संतान की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।